अबे इनके हस्बैंड ने बोला है कनाडा बैठे हुए वहाँ से आई है फरमाइश। मिठू क्या किया था तूने अभी रिएक्शन? आइसक्रीम। गाइस सी देखना अमित तुम नहीं गए। वाह गए हैं जसकीरत जसकीरत के लिए है। जसकीरत दादी घर रह गया आज का पेपर है उसका। ये क्या हो रहा है? आपने मुझे पकड़ाया क्यों खाने के लिए? ताकि वीडियो में कुछ कंटेंट डिफरेंट रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू आवर चैनल, वेलकम टू कोली व्लॉग्स। आज का दिन शुरुआत करते हैं गुनगुने पानी से। नीतू जी देखो सुबह सुबह ये खा रही हैं। रुको रुको देखो ना, अच्छा दिखाओ। हाँ चीजी आगे दिखाओ ना, चीजी वाला दिखाओ। अरे नाम दिखाओ कोली साहब। मखाने। हाँ मखाने चीज एंड हर्ब। ये क्या डाइटिंग चल रही सुबह सुबह? मतलब आपने तो पानी मंगा लिया गुनगुना, अब ये क्या है? इसमें इतना सोचना क्या? पहले ही पानी पीते हैं कोली साहब, फिर बाद में खाते हैं जो खाते हैं। तो आपने मुझे पकड़ाया क्यों खाने के लिए? ताकि वीडियो में कुछ कंटेंट डिफरेंट रहे। दिखा रहे सब गंदी बच्चे हैं। चलो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की गाइस। तो देखिए गाइस, एक मजबूर पति की मजबूरियां, सुबह सुबह चाय पिलाकर उठाता हुआ अपनी पत्नी को, एक मासूम सा पति। जैसे कि आपने देखा मॉर्निंग में हमने टी पी थी, उसके बाद नीतू चली गई अपना शॉप पर। अभी मैं जा रहा हूँ जसकीरत के पास दादी के घर पे, क्योंकि उसको आई थिंक शायद फीवर है, उसको डॉक्टर को लेके जाना है। तो उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, तो व्लॉग करते हैं आगे कंटिन्यू। सो फ्रेंड्स, जसकीरत को डॉक्टर को दिखा दिया है, उसको नॉर्मल वायरल फीवर चल रहा है। आज का पता को मौसम चेंज हो चुका है, तो डॉक्टर कह रहा है कोई घबराने की बात नहीं है, मेडिसिन दो दिन दे दी है उसको। सो जस्ट इसको रेस्ट करना है फिलहाल। मैंने मेडिसिन लेकर उसको दादी के पास उसकी दादी के पास ड्रॉप कर दिया उसको। होपफुली वो शायद कल तक रिकवर कर जाएगा। तो आप लोगों से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, घर में रखें, सेफ रखें। एक और आज एक कंसर्न आया था कि इनके स्कूल से कंसेंट फॉर्म आया आज, मतलब कि कंसेंट फॉर्म ये था कि आप लिख के देंगे कि यू आर, मतलब यू द पेरेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ इलनेस, एनी काइंड ऑफ कोई भी इन्फेक्शन होता है, वायरस होता है बच्चों को, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर हम लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं तो हम लोग स्कूल क्यों भेजें भाई? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? मतलब आप लोगों अपने हाथ खड़े कर दोगे? तो आई हैड अ वर्ड विद द टीचर, शी सेड कि सर ये तो हर स्कूल में कंसेंट फॉर्म मांगा जा रहा है आजकल। तो आई रिप्लाइड, मैंने उसको रिप्लाई किया इस फॉर्म पे डिसएग्री करके कि आई एम एग्री ओनली इन केस अगर आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, अगर उसको वैक्सीनेशन लगती है उसके बाद बच्चों को बुलाया जाए। आप बिना वैक्सीनेशन के बच्चों को बुला रहे हो तो हमारे लिए भी रिस्की है, उसके लिए बच्चों के लिए रिस्की है ही, बाकी के लिए भी रिस्की है। सो बस ये छोटी सी बात हुई है आज, बाकी चलते हैं शॉप पर देखते हैं यहाँ पे क्या बात होती है आज। कोली साहब की हालचाल? वधिया, तुम सुनाओ? बस ये हो जी, कनाडा वाले हो? वेरी गुड जी, हाय। की हालचाल जी? बहुत वधिया। मैम के ना एक छोटा सा एक फीडबैक है कि हमारे सब्सक्राइबर्स नहीं है। हाँ बिल्कुल जी, सब्सक्राइबर बढ़ो, लाइक करो, शेयर करो, मोर एंड मोर। यार तो बाहर से फरियाद आ गई है, कर दो। सही में अभी हम जा रहे हैं जनकपुरी डिक्सी सेंटर, वहाँ पे मुझे कुछ ना कंप्यूटर के पेरिफेरल्स बाय करने थे। सो मैंने कहा मैम हमारे साथ है ही, मैं चलो रन कमा लेने, दोनों पैना बैठी हैं, मैं गरीब ड्राइवर ड्राइविंग कर रहे हैं। चलिए कोली साहब देखिए, बोल दो एग्जैक्टली पोल्यूशन डस्ट कनाडा जगह है ना, पोल्यूशन नॉट एट ऑल है ना, नॉट एट ऑल। ले चलो सानू कनाडा, चलो चलो चले जी चलो। हाँ जी कोली साहब फोन छोड़ दो यार, व्लॉग चल रहे हैं। इनके हस्बैंड ने बोला है कनाडा बैठे हुए वहाँ से आई है फरमाइश। और क्या, इनके ब्लॉग देखे पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, ऐसा क्यों? ब्लॉग में तो कोई कमी पेशी नहीं है।
यार आपको बताते हैं कि जनकपुरी की जो मार्केट है ना कंप्यूटर्स की, वो कैसी है। सो आपको आइडिया हो जाएगा। आपको लास्ट में दिखाते हैं मैंने वजीरपुर मार्केट है ना, आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ भी काफी कुछ है, काफी कुछ मिलता है आपको कंप्यूटर्स का। सो लेट्स गो एंड वॉच। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड। चलो जी, सो फ्रेंड्स हम लोग जनकपुर इलेक्ट्रिक सेंटर घूम रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई कंप्यूटर शॉप नहीं दिख रही है। मुझे किसी ने कहा था यहाँ कंप्यूटर शॉप्स बहुत सारी हैं, तो ढूंढते हैं, देखते हैं कोई मिलती है तो। अदरवाइज फिर मूवी दिखा रहे हो क्या? ये देखो मूवी की पड़ी है इस लड़की को। मेरा कंप्यूटर, मेरा लैपटॉप वो कीबोर्ड नहीं चल रहा, पता था वायरलेस वाला। नहीं तूने मेरा वायरलेस जो है वो माउस कहाँ रखा? मुझे नहीं पता यार, मैं भूल गई हूं शिफ्टिंग में। अब मुझे स्पेशली ना लेना पड़ रहा है वायरलेस माउस। ओए वो शॉप भी है। हां गाइस वो देखिए, यहां पे शॉप्स तो हैं थोड़ी बहुत। ये यहां पे कुछ शॉप्स हैं, ये रही रही शॉप्स मिल गई। खोली आ जाओ गाइस, वहां पे शॉप्स हैं, देखते हैं वहां पे कुछ मिलता है अपने को। कंपोनेंट और सॉरी पेरिफेरल्स मिलते हैं तो थोड़ा बाय करते हैं। यहां वो शॉप्स तो हैं यार, सी एसर का, डेल का लैपटॉप रिपेयर लिखा हुआ है पूरा। अच्छा एक्चुअली ना हम लोग मेन रोड से आए हैं, जब मेट्रो दिखाते ना मैंने आपको अभी जस्ट, तो मेट्रो रोड से आए हैं तो वहाँ से दिखा ही नहीं मुझे। मैं सरप्राइज, मैं कहा ये क्या हुआ, बट थोड़ा अंदर आए हैं, सेंटर के अंदर आया, थोड़ा सा हमने देखा था यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, देखते हैं कुछ क्या मिलते हैं यहाँ से। ये कोई विशाल टावर है, इसमें भी काफी ऑप्शंस हैं, दिखाता हूँ। मुझे एक्चुअली कीबोर्ड और माउस लेना है वायरलेस, तो वो लेने आया हूँ। ऑप्शंस में एक HP का दिख रहा है, एक कौन सी कंपनी का, लेनोवो का ना, ये लेनोवो का है, और थर्ड है डेल का। इसमें है वो कह रहे हो आप जो ऑप्शन कंफर्म कर, लिखा नहीं हुआ ना ये पूरा हब मार्केट है, पूरा सब सामान मिलता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैंने कीबोर्ड बाय कर लिया, आपको दिखाता हूँ। ये लेनोवो का कीबोर्ड है वायरलेस, कीबोर्ड वायरलेस माउस के साथ। ये वो टीला आ रहा है बिकॉज भैया खोल रहे हैं इसको, इसका बिल कट रहा है इस वक्त। तीन शग न, हाँ जी हाँ यार व्लॉग चैनल मेरा। अच्छा व्यूअर को दिखानी होती है आज मैंने क्या क्या खरीदा आज। मैं यार फ्रेंड्स मैंने लेनोवो का वायरलेस कीबोर्ड माउस मैंने लेनोवो का बाय कर लिया, और ये देखो ये दोनों लिट। ये औरतों की ना मतलब जो है ना बातचीत ख़त्म होती ही नहीं है बिल्कुल यार। यहाँ पर मोबाइल मार्केट भी है, मैंने अभी देखा जस्ट, तो मतलब यहाँ पे जो बंदा आए मोबाइल के कवर्स हो गए, मोबाइल के ऊपर जो स्क्रीन लगती है स्क्रीन गार्ड वो भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको लैपटॉप पे स्क्रीन गार्ड देखी मैंने अभी लगती हुई, और किसी को लैपटॉप पे या किसी को अपनी गाड़ी की चाबी पे कोई स्क्रीन चढ़वानी है वो भी लगती है यहाँ पर। तो काफ़ी ऑप्शंस हैं यहाँ पर, आप लोग विजिट कर सकते हैं यहाँ पर, इट्स अ गुड मार्केट। हम लोग आए हुए हैं सेक्टर 7 रोहिणी में, मार्केट है यहाँ पे D12। हाँ जी क्या भाई किया आपने? सरप्राइज टॉयज, टॉयज बच्चों के लिए, बच्चों के लिए टॉयज बाय करें हैं आज, देंगे उनको सरप्राइज, देखते हैं उनको रिएक्शन कैसे आते हैं, आपको घर आकर दिखाते हैं उनको रिएक्शन। चलिए यार हम लोग घर पहुंच गए हैं, और संजम ने खा रखी है जान, इसको अपने गलती से बोल दिया गाड़ी में कि हम इसके लिए टॉयज लेके आए हैं, इसके लिए हम लोग कपड़े लेके आए हैं न्यू, क्योंकि इसके पास वूलन कपड़े लास्ट ईयर से टाइट हो गए हैं, को जो उसको पहनाए ना
तो उसको पता लगा कि न्यू कपड़े लेके आए, न्यू आए तो दिखाओ जी दिखाओ, ये देखो एक्साइटमेंट। ये क्या हो रहा है? ये खुशी मनाई जा रही है अनबॉक्सिंग करने की। क्या कर रहे हो? ये दिखाओ पहले, क्या लिखा दिखाओ ना इसके लिए, दिखा दो पहले। रुक जाओ पापा, रुक जाओ पहले, एक एक करके देंगे ना। अच्छा ये देखो मेकअप। वाह मिट्ठू को तो मेकअप किट चाहिए होती है बस। जब देखो सनम कैसे लगी मेकअप किट? अभी रुक तो जाओ, अभी तो बहुत अच्छी है देखना। ये देखो ऐसे होगी, ऐसे ये ऐसे, और फिर ये इसके साथ अटैच होगी। ये देखो ये ऐसे और ये इसके साथ बंद होगी। ये बंद होगी ना, कुछ ना कुछ तो होगा। नेक्स्ट दिखाओ, मैं नेक्स्ट दिखाओ। रुको लिपस्टिक गिर गई, लिपस्टिक गिर गई, चिपस्टिक छोटी छोटी लिपस्टिक मेरे लड़की। सुन कैसे लगी आपको, यहाँ देख के बोलो क्या क्या दिखाओ उसके अंदर। ये देखो इसके अंदर ये लिपस्टिक रियल लिपस्टिक है। अच्छा और ये भी लिपस्टिक है, लिप ग्लॉस टाइप्स की। अच्छा और ठीक है, ये नेल पॉलिश है। ये भी देखिए, इसमें खोल के देखिए जरा क्या है। एक मिनट रुक जाओ जरा, वैसे तो फिंगर में लगा के देखो। ओह माय गॉड, ये तो ओपन भी हो रही है। वाओ ओए, इसमें सच्ची में नेल पेंट है। ओह माय गॉड, ये देखो क्या है, ये क्लिप है, हेयर क्लिप्स। दिखाओ दिखाओ। ठीक है ये देखो सुधा जी, ये बकायदा, ये देखो रेड कलर और ये पिंक है। पिंक भी दिखा दी, दिखा दी एक जैसे ये दोनों। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला। ये देखो, ये देखो ग्लिटर्स। वाओ ये देखो। ओ वाओ मैं भी दिखाऊं? हां देख तो ली, बस मुझे भी दिखाऊं, मैं भी फिंगर में लगा के देखो। सुन लिया, दिखाओ दिखाओ देखो नेक्स्ट आइटम है संजम का House. ये है House. एक्टिव सैंड। इसमें आपको संजम ऐसे ना क्यूब्स मिलते हैं सिक्स, ठीक है। आपको सैंड मिलेगी दो कलर की, ठीक है। आपको क्यूब्स के थ्रू ये सब बनाना है ऐसा, आपको पूरा आपको पूरा ऐसे महल बनाना है इसको, ठीक है। और ये भी खोलते हैं, खोलते हैं, खोलते हैं, कोई बात नहीं, दिखाते हैं ऐसे ऐसे कुछ करके है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मम्मा, नेक्स्ट इसमें स्टिकर्स भी है। और हम लेके आए हैं जसकीरत के लिए है, जसकीरत दादी का रह गया आज का पेपर है उसका, उसके 3D लूडो, उसके लेके आए हम 3D लूडो। जसकीरत के लिए भी दो दो चीजें हैं, डिजाइनर डिजाइन रूलर। इसको कैसे करते हैं तू? इसको ना ऐसे गिर रख के ना, फिर इसके अंदर पहले ये बड़ा वाला डालेंगे, ऐसे 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 करके घुमाएंगे, फिर ये घुमाएंगे, फिर इसके अंदर भी ये वाला रख के ऐसे डिजाइन। वाओ बहुत अच्छा बन जाता है डिजाइन। ये लूडो चलेगी मुझे, ये इस पे वुडन में है ना, वुडन में पता नहीं खुल के देखे। वेरी गुड। और संजम के लिए लेके आए ड्रेसेस। ये तो बहुत प्यारी चीज। संजम कैसे बनाया आपने इसको, दिखाओ देखो दिखाओ कैसे बनाते हैं, बता तो दो। सी गाइस, ये इनको मिले हुए हैं कुछ, क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट मिले हुए हैं। हां ऑब्जेक्ट है, ये मिट्टी है। ये क्या है? सैंड। सैंड है, ये देखो सैंड, सैंड मतलब मिट्टी। सुन लो, ये अपने आप अंदर जा रही है। अच्छा है ना, ये देखो, ये देखिए गाइस, ये देखें आप, ये बनाया है, ये देखो मैंने बनाया है, ये मेरा हाथ लग गया, इससे थोड़ा खराब हो गया, अदरवाइज ऐसे बनता है। ये देखिए, हम वॉल भी इसमें बना सकते हैं, ये ऐसे ना, इसमें ऐसे हम ये दिया हुआ है, हम ऐसे इसको बना सकते हैं पूरा। वाओ ये देखना, ये देखना, अब जैसे पिरामिड के साइड में वॉल बनानी है तो ऐसे वॉल बन जाएगी। अच्छी चीज है बच्चों के लिए। देखो संजम, संजम इज एंजॉयिंग। कैसा लगा, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा पापा? ये देखो, ये देखो, उससे मैंने ये बनाया, वो जो लेके आया ना हम गेम स्टेंसिल्स। अच्छा इसको यूज कर बनाया आपने, ओके। आप जल्दी करो, सुनो जल्दी करो ना, आप देखो नीचे गिर रहे हो, नीचे नहीं गिरना, इसमें रखो इसको पापा। ये देखो अब हम पिरामिड के साथ में बना देते हैं ये वाला टावर। ओह वाओ, अभी ये क्लियर नहीं बना, मतलब मैंने अच्छे से इसमें सैंड नहीं दबाई। बड़ा अच्छा है यार, हो गया, हो गया। चलो करो रखो। ओह वाओ स्टेयर्स वाला, ओए गाइस सी संजम ने बनाया ये, तो बहुत प्यारा है। तू है संजम, आपको आ गया है संजम? वेरी गुड, डालूंगी और वापस आऊं। जल्दी करो, जल्दी करो, मतलब
जल्दी पाओ संजम, हाँ जल्दी पाओ और पाओ, पाते रहो पाते रहो। पापा कह रहे हैं, पापा थोड़ा हेल्प करें पापा की, रुको 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 अब पोसो, रुको रुको अब इसको बस ठीक हो गया, अब कब रखो उसको। गाइस सी देखना अमित तुम नाएगे, वाओ वाओ आपने मेरी हेल्प कर, तो बहुत प्यारा है संजम। ये देखो पापा मैं भी पाऊं एक और, पाओ पाओ अच्छा बन रहा है। ये देखो ये कितना नीट बन रहा है ना, टिक 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 टिक, इतनी आसानी से तो दब भी नहीं रहेंगे। चलो मिठू फिर मेरे की टकेंगे ना, ओके सुन कैसा लगा आपको टॉय, चल मैं डाल लूंगी। हां जी दिखा दी टॉयज ये देखो, इसमें इसके रिएक्शन देखो क्या किया मिठू, क्या किया था तूने अभी रिएक्शन, आइसक्रीम ये इसका रिएक्शन बड़ा अच्छा था है ना, मास्क उतार लो, मैंने मास्क नहीं उतारा। बताओ घर आके लड़की लड़की इतना प्रिकॉशन रहती है, रात को सोते हुए मास्क लगाती है। मिट्टू भी नहीं, मिट्टू देखना कैसी चल रही है, क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गंदे बच्चे लग रहे हो आप, ये क्या हो रहा है, ये खाली इसकी बॉक्सिंग कर। ओके गाइस आज के लिए इतना काफी है, आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसे लगी, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना जल्दी से, वी नीड सब्सक्राइबर्स गाइस, प्लीज कर दो यार, मुझे पता है आप लोगों को व्लॉग पसंद आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे कमेंट आते हैं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स, बट वी नीड सब्सक्राइबर्स यार, प्लीज डू इट यार। ओके गाइस तो आज के लिए करें बाय, गुड नाइट, तो आज के लिए करें ब्लॉग का एंड, यस तो मिलते हैं कल न्यू सफर में न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।